हो सकता है हाँ। कि देश का 75 साल बाद पहला प्रधानमंत्री दलित प्रधानमंत्री बने। दलित में कितने लोग हैं? अब नाम मुझसे खुलवाइए। राष्ट्रपति तो स्टाम्प रबर स्टाम्प होता है, ऐसा लगता है पार्लियामेंट में एक्टिंग कर रही हैं, एक्टर रही हैं ना। उन्हें सोचना चाहिए कि वो बहनें भी उनकी बहनें हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, उनसे जनता हिसाब ले लेगी 2024 में। जीतना हारना महत्वपूर्ण नहीं होता है, अविश्वास प्रस्ताव में बहस होती है, कारण उसका निवारण अपोजिशन सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री को नेता सदन के नाते जवाब देना पड़ता है। वो तो पूरे हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। झूठ बोलते हैं, नहीं बढ़ावा देते। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मणिपुर की जो तस्वीरें आई बीते दिनों, फिर भी प्रधानमंत्री जो है बोलने को तैयार नहीं है, किस तरीके से देखें? प्रधानमंत्री जी ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे। प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड पार्लियामेंट के बाहर आके कहा मेरे अंदर बड़ी आत्मग्लानी है, बहुत गुस्सा है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, ये लोकसभा में कह देते आप। अब जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया है बहस के लिए, तब तो बोलना ही पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा प्रतिपक्ष के बहस का। क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उसमें वो अविश्वास प्रस्ताव जो है जीत पाएंगे, वोट मिल पाएंगे पक्ष में उसके? जीतना हारना महत्वपूर्ण नहीं होता है, अविश्वास प्रस्ताव में बहस होती है, कारण उसका निवारण अपोजिशन सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री को नेता सदन के नाते जवाब देना पड़ता है। तो अब सारे विपक्ष के जो चीज़ें लाई जाएंगी, डाटा सामने लाए जाएंगे, जो बर्बादी हुई मणिपुर में वो लाए जाएंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा। अब घुमा नहीं सकेंगे, राजस्थान में बात करेंगे, झारखंड के बारे में बात करेंगे, ये नहीं कह पाएंगे। अब तो उन्हें मणिपुर के बारे में स्पेसिफिक जवाब देना पड़ेगा। संसद की बात करें तो कल जो है स्मृति ईरानी संसद में फट चुकी थी कि डिस्कस कीजिए राजस्थान के बारे में, डिस्कस कीजिए बंगाल के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। हास्यास्पद है, उनके अंदर महिला की सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। हमें दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उनके अंदर महिला की अस्मिता की भावना मर गई है, ऐसा लगता है पार्लियामेंट में एक्टिंग कर रही हैं, एक्टर रही हैं ना। उन्हें सोचना चाहिए कि वो बहनें भी उनकी बहनें हैं जिनको निर्वस्त किया गया। क्या ऐसा अभी हाल में राजस्थान में हुआ है? क्या अभी ऐसा हाल में बंगाल में हुआ है? क्या अभी ऐसा हाल में छत्तीसगढ़ में हुआ है? जहाँ हुआ है उसका बोलिए, और उन्हें तो बोलने का अधिकार भी नहीं था, उनके नेता को बोलना चाहिए था। इट इज़ जस्ट डाइवर्जन ऑफ द फैक्ट्स, इट्स अ डाइवर्जन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियों से भागना है, घुमाना है, मिसलीड करना है। कहा जा रहा है कि जब रेल हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, कोरोना हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते, तमाम मुद्दे जब होते हैं तो मंत्रालय के मंत्री नहीं बोलते प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन मणिपुर के मामले में ना कोई मंत्री बोल रहा है ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, उनसे जनता हिसाब ले लेगी 2024 में। क्या लगता है सत्ता बदल जाएगी अब? 100% जाएंगे, उनको झोला समेट लेना चाहिए जाने के लिए, तैयारी कर लेनी चाहिए, तैयार वो जाएंगे। कौन आएगा फिर? मोदी नहीं तो कौन? जनता, उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आएगा। हमारा समाज, हमारा देश जो है, देखिए नेता पैदा करता है। मैं तो उस जमाने का हूँ जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी, क्या कोई चेहरा था? मोरे जैसा ही अहमदाबाद से आए, चेहरा बना दिए गए, कोई ना कोई बन जाएगा। हो सकता है भारत का पहला प्रधानमंत्री दलित प्रधानमंत्री बने, ये भी हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। आपके नज़र में जो है कौन सी पार्टी है, कौन से नेता? मैंने कहा ना, हो सकता है कि देश का 75 साल बाद पहला प्रधानमंत्री दलित प्रधानमंत्री बने। दलित में कितने लोग हैं? अब नाम उससे खुलवाइए, वो तो अपने आप गिनती वहाँ उस वक्त कर ली जाएगी, लेकिन अवश्य संभावी है, प्रबल संभावना है। बहन देख लीजिएगा, यूसीसी पे क्या कहेंगे? यूसी जब चुनाव आता है तो एक नया मुद्दा आता है, लेकिन फेल हो गए उस पर। इन्होंने सोचा था यूसीसी का हम पासा फेंकेंगे, मैं प्रसार बोर्ड का मेंबर हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, और ये मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, नारे लगाएगा, मोमबत्ती जुलूस निकालेगा। हमने 3-4 जून को बैठक की इंदौर में,
और कह दिया कोई मुसलमान सड़कों पर नहीं आएगा, जिसके खिलाफ ये UCC है सब समाज को खड़ा होने दो। कल प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने अटेंड किया होगा, किसने लीड किया? सरदार जी ने लीड किया। उससे पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चेन्नई में थी, किसने लीड किया? बॉम्बे में थी, किसने? उद्धव ठाकरे ने किया। देश की 80% संख्या इस समय UCC नहीं चाहती है, PM नरेंद्र मोदी को ये चाहती है। कह रहे हैं कि PM मोदी से सब खफा हैं, विपक्ष है तो उनका काम है हर चीज पे बोलना। विपक्ष की बात नहीं, अब तो जनता विपक्ष का रोल अदा कर रही है, जनता हाँ। ही खफा है, नेता नहीं जनता खफा है। कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, कुछ भी कर लो। कौन कह रहा है? मोदी जी को बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मोदी जी को कहना चाहिए, गोदी मीडिया को भी कहना चाहिए, उसी की तनख्वाह ले रहे हैं आप लोग, तो वेतन भोगी लोग हैं, वहाँ करोड़ों महीने में ले रहे हैं, बड़े बड़े आलिशान निवास स्थान हैं, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, तो उनको सुख सुविधाओं के बदले में मोदी जी को तो लाना ही है, लेकिन वो नहीं लाते, महान जनता लाती है जिसको लाती है। अच्छा, UCC पे कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो है तलाक का अधिकार होगा, बराबरी का अधिकार होगा, महिलाओं के साथ न्याय होगा, आप क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं के साथ न्याय हो? लोगों को पता नहीं, अज्ञानता है। महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार है, अगर पति नाकारा है, भरण पोषण नहीं कर सकता, व्यभिचारी है, अत्याचारी है, सही निर्वाह नहीं करता, तो महिला को उससे तलाक लेने का अधिकार पहले से इस्लाम में है। ये अज्ञानता है सत्ता में बैठे हुए लोगों की, ये अज्ञानता है, उन्हें मालूम नहीं। दूसरी बात, UCC में क्या लाएंगे? UCC में क्या चीज़ें बची हैं? शादी का तरीका, अगर हम निर्वाह नहीं करते तो अलग हटने का तरीका, अगर हमारे पास संपत्ति है विभाजित कैसे करेंगे परिवार में, इसका तरीका, और यह है कि अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसे विरासत का अधिकार नहीं होता है, इसलिए कि ये अगर शुरू कर दिया हमने तो ये मुश्किल हो जाएगा, और जो सही माने में विरासत का अधिकार है वो उससे वंचित हो जाएंगे। यही तीन चीज़ें बची हैं, बाकी एक विधान एक देश, ये तो पहले से लागू है। इन्हीं तीन चीज़ों में भी अगर आ रही है बराबरी तो दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें बराबरी ला नहीं सकते। हमने कल की UCC के बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सिखों ने क्या कहा? हमारे यहाँ शादी का तरीका अलग है, हमारे यहाँ अलग हटने का तरीका अलग है, हमारे यहाँ पारिवारिक संपत्ति के विभाजन का तरीका अलग है ना, ये कहा ना उन्होंने, आदिवासी भी यही कहते हैं, कहा ना उन्होंने, सिया भी, सिख भी यही कहते हैं, ईसाई भी यही कहते हैं, और भारत में बहुत से इलाकों में ऐसा समाज है हिंदू भाइयों में जो अपनी बेटी की शादी सगे मामा के साथ करते हैं। दिस इज देयर फैमिली रिचुअल, दिस इज देयर कस्टमरी लॉ। भारत देखो विविधाओं का देश है, इट इज़ कंट्री ऑफ द डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटी में हम यूनिटी रखते हैं। डाइवर्सिटी क्या है? मान्यताओं की डाइवर्सिटी, आस्थाओं की डाइवर्सिटी, भाषा की डाइवर्सिटी, खानपान की डाइवर्सिटी, पोशाक की डाइवर्सिटी, तो ये डाइवर्सिटी ही शान है देश की, ये अनेकता ही एकता की शान है। भारत इस अनेकता को मिटाना चाहते हैं जो नहीं कर पाएंगे। कहा ये जा रहा है कि मुस्लिम इसलिए बौखलाया है कि 4 शादी नहीं करने को मिलेगी, बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। ENS सर्वे की रिपोर्ट है कि मुसलमानों में लिस्टिमेट या इलिस्टिमेट शादी का परसेंटेज 1.5 भी नहीं, 1 से ज़्यादा, और हिंदुओं में 2.5% है। ये ENS की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है। दूसरी बात है, ये लिव इन रिलेशन जो शुरू किया है, इसके बहाने जाने कितनी बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उन्हें होने वाली औलादों का कोई परेशान हाल नहीं होगा, देखभाल करने नहीं हो वाला नहीं होगा, ये सब आप करवा रहे हैं। और वैधानिक तरीके से शादियां हो, इस्टेब्लिश समाज बने, संस्कार बने, नई जनरेशन का पालन पोषण हो, उनको अपब्रिंगिंग हो, इसको आप समाप्त करना चाहते हैं, ये हो रहा है। नहीं तो लिविंग के खिलाफ तो पहले से ही बजरंग दल काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। है, लेकिन कानून तो बन गया, बजरंग दल ने विरोध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, हमने किया, सिखों ने किया, ईसाइयों ने किया, बजरंग दल ने नहीं किया, क्योंकि उनके बॉसेज ने उनको अनुमति नहीं दी। वो कहते कुछ है करते कुछ है, दुभाषी होते हैं। क्या कहते हैं और क्या करते हैं जरा विस्तार में बताइए। बड़ी प्यार की बातें करते हैं, सब समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन वो ब्रह्म समाज के हित का काम करते हैं, 15% के हित की बात करते हैं, राज सत्ता में उन्हीं को बैठा, जातिवाद बढ़ा है, मतलब जातिवाद की बात कर रहे हैं। अगर 85% जातिवादी हैं तो किसने जातियां बनाई हैं? देश का 85% जो संख्या है वो तो जातिवादी है, जातिगत है, तो बनाया किसने, किसे बनाया जाए? वो तो पूरे हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। झूठ बोलते हैं, नहीं बढ़ावा देते, अगर बढ़ावा देते होते तो आज कोई ना कोई 75 साल में दलित प्रधानमंत्री बनता, क्या बना कोई? राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति तो स्टाम्प
रबर स्टाम्प होता है। अगर वो राष्ट्रपति सही माना में राष्ट्रपति माननी होती उसे मानते तो नई लोकसभा के उद्घाटन में उनको बुलाते, उन्हें सम्मान देते, सम्मान नहीं दिया। तो ये है पूरे विचार, आपने सुने कैसे कि राष्ट्रपति जो है सिर्फ स्टैम्प के नाम पे है, पावर कुछ नहीं है, पूरा पावर तो प्रधानमंत्री के पास होता है। और भी तमाम मुद्दों पे हमने बात की जिस पे आपने बेबाक आंसर सुने, जवाब सुने। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी ग्रीट जनहित आवाज़।